हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी एंड सेफ हैं, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभिनय सर का जो प्रैक्टिस बैच है, जिसके अंदर मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ बाकी जितने भी बैचेस आप अनअकैडमी प्लस पे अटेंड कर सकते हो, अपनी पूरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो एक सिंगल प्लान लेके। डिस्काउंट कोड आपको ध्यान रखना है, PMYT बिना स्पेस के आपको लगाना है। अगर आप 2 साल का प्लान लेंगे तो इस रेट में, और 1 साल का प्लान लेंगे तो आपको इस रेट में पड़ जाएगा। CPO का नोटिफिकेशन जो है रिलीज हो गया है, और आप सबको पता होगा कि जो आपका एग्जाम है पेपर वन है 29 सितंबर 2020 से लेकर 5 अक्टूबर 2020 तक स्केड्यूल्ड है। इसके साथ साथ पेपर टू की डेट्स भी आ गई हैं, 1 मार्च 2021 के लिए स्केड्यूल्ड है। एक पॉइंट है जो आपको नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ना है, इसमें एक चेंज आपको देखने को मिला है और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये CGL एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चेंज उन्हें उनके नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी है। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टिकल्स एंड बोथ ईयर शुड बी विजिबल, एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। इसके अलावा यू नीड टू अपलोड अ रीसेंट, दैट इज नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड फोटोग्राफ। यानी आपको फोटो जो होगी आपकी एक रीसेंट फोटो होनी चाहिए, जिसमें आपको कैप स्पेक्टिकल्स नहीं पहनने हैं और आपके दोनों कान साफ दिखने चाहिए। इसके अलावा द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। फोटो के ऊपर प्रिंट होना चाहिए, तो मेक श्योर जब आप फॉर्म अपना फिल करें तो इस चीज़ का ध्यान में रखें कि जो फोटो है चाहे आपको अलग से नहीं खिंचवानी पड़े, लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है जिससे कि फॉर्म आपका बिल्कुल भी रिजेक्ट ना हो। और ये भी ध्यान रखना कि चेंजेस करने के ज़्यादा मौके नहीं मिलते, तो मेक श्योर फॉर्म ध्यान से पढ़ें एंड रिजेक्शन पूरे तरीके आप अवॉइड करें। इसके अलावा जो डेट फॉर रेकनिंग है वो 1 जनवरी 2021 है, एंड CGL के लिए भी सेम रहेगी, एंड सेम ही जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपके बाकी एग्जाम्स कब होने हैं। आप सबको पता होगा CGL 2020 जो है उसका नोटिफिकेशन 15th of September को आना है 2020 में, एंड 15th of October तक आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने का। सेम इसी तरीके अगर मैं आपसे CHSL 2020 की बात करूं, 30th November 2020 टू 15th December 2020, इसकी जो एग्ज़ाम डेट्स अभी आपको बताई जाएंगी नोटिफिकेशन आने के बाद। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर सभी चीज़ें स्मूथ चलती हैं और मान लेते हैं कि सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, तो आप मान के चलो जो आपका एग्ज़ाम है वो मार्च 2021 तक हो सकता है, मार्च 2021 में हो सकता है। और इस बात का आप ध्यान देंगे कि अपनी तैयारी आपको इन एनी केस इस तरीके करनी है कि इससे पहले पहले आपकी पूरी तैयारी, पूरा रिवीजन, पूरे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ निपट जाएगा, इससे आगे एग्जाम जाए तो आपके लिए वो बोनस हो। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि तैयारी ऐसी करनी है कि इससे अगले अटेम्प्ट का कोई प्लान नहीं बनाना। अगर आप एलिजिबल हैं तो अपनी तैयारी ऐसे ही करें। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि मैं इस बारे में इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार आप मुझसे पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा। आई टोटली एग्री, मैं आपकी दौर से गुजर चुका हूँ और मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर आपको एक बार डेट पता लग जाती है तो आपको पता होता है किस तरीके हमें तैयारी करनी है, किस तरीके चीज़ों को प्लान करना है और किस तरीके कब तक आपको अपना सिलेबस निपटाना है। तो इसी सब चीज़ों के लिए मैं आपको कुछ गाइडेंस यहाँ पे देना चाहूँगा, जो कि अगर आप फॉलो करते तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। सितंबर जब आपको नोटिफिकेशन जिस दिन भी आएगा, उससे पहले पहले आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जानी चाहिए, आपका सिलेबस पूरे तरीके कवर हो जाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना, इसका मतलब यह है कि चारों के चारों सेक्शंस आपके पूरे तरीके तैयार होने चाहिए। सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको अपने सिलेबस को पूरे तरीके रिवाइज करना है, आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं। एंड उसके बाद जो भी 2021 में आपको समय मिलता है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जहाँ पर आप वीक हैं उसका रिवीजन आपको करना है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, रैंडमली कुछ भी पढ़ने से काम नहीं बनता। ज़्यादा समय है या कम समय है, आपको स्मार्ट मूव्स अपने लेने पड़ते हैं और गाइडेंस में ही आपको पढ़ना पड़ता है ऐसे लोगों की जो खुद एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और जो बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप अपनी तैयारी ऐसे की गाइडेंस में करें जो कि बेहतर है। एंड इसके लिए पहले से ही मैं आपको सजेशन दूंगा कि प्री में ही जब आप अपना एग्ज़ाम आप देने जाओ, मेंस लेवल की तैयारी लेकर जाना। ऐसा नहीं है कि बाद में देखेंगे, प्री एक बार क्लियर कर लें उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्री में जब आप बैठोगे तो ऑलरेडी अगर आप मेंस की तैयारी लेके जाते हो तो कहीं नहीं अटकने वाले, ये मान के चलना। और इस सब के लिए आपको पता है बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए अनअकैडमी प्लस पे, चाहे वो अभिनय सर रानी मैम का ये वाला कोर्स हो या फिर अभिनय सर का प्रैक्टिस बैच हो, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। चाहे हमारे इसके अंदर प्लैटिनम बैच हो, ऑल एजुकेटर्स, ऑल कोर्सेज, ऑल प्लान्स
ऑल एग्जाम्स ऑफ एसएससी टीयर 1 2 3 सब कुछ कवर्ड होगा, 100+ एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज कवर्ड होंगे, एक सिंगल प्लान में आप इसे ले सकते हो, सारे एग्जाम्स आपके इसी में तैयार हो जाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप अपनी पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड PMYT लगाना है बिना स्पेस के, और क्रेडिट ज़रूर लगाया करो क्योंकि एक एक रुपया अपना कीमती है। 2 साल का जो प्लान है 5832 का पड़ता है, और जो 1 साल का प्लान है वो आपको 4860 का पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान देना, बिना स्पेस के लगाना तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड अपनी तैयारी बढ़िया से करो, कोशिश ये करना कि जितना बड़ा आप प्लान लोगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा, उतनी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी तैयारी की। एंड बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहो, बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरीके अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहें। एंड अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर अनअकैडमी SSC एग्जाम्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।